जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ आतंकियों ने बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। बताया गया कि गुलाम रसूल डार पर दिन के वक्त उनके घर के अंदर घुसकर हमला किया गया, जिसमें उनकी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। फिर बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार के शव को उनके घर से निकालकर एक एम्बुलेंस में रखा गया। बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष के अलावा गुलाम रसूल डार सरपंच भी थे। उनकी हत्या को बीजेपी ने आतंकियों की काराना हरकत करार दिया। गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी के कातिलों को मौत की सजा मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट कर इस घटना की निंदा की और बीजेपी नेता की मौत पर दुख जताया। बीजेपी पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली। सौबात की बात यह कि अनंतनाग जिले में बीजेपी के नेता और सरपंच की हत्या को पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठनों की बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को अनंतनाग जिले में भी आर्टिकल 370 खत्म होने की दूसरी बरसी का जश्न मनाया गया था, जो अलगाववादियों और आतंकियों के मुंह पर तमाचे जैसा था।